children, take out your English copy and today your English class. First यहाँ data लेंगे, class work लिखेंगे, write A to Z. ये हम लोग पहले भी आपको करा चुके हैं, आज हम इसका revision करा रहे हैं. Start करते हैं. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen. I for ice cream, J for joker, K for kangaroo, L for lion, M for monkey, N for nose, O for owl, P for parrot, Q for queen, R for rainbow, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for violin, W for well, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra. Next हम क्या करेंगे? Filling the blanks करेंगे. Heading डालेंगे. Fill up. यहाँ पे हम लोग फिलअप करेंगे. ये स्मॉल ए दिया है, स्मॉल ए के बाद क्या आता है? बी. क्या हम लोग बी लिखेंगे, ठीक है. सी दिया है, सी के बाद ब्लैंक में क्या आएगा? डी. ई के बाद क्या आएगा? एफ फॉर फिश. जी के बाद एच फॉर हेन. आई के बाद जे फॉर जोकर, ठीक है. फिर ये हमारा ये फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे ऐसे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग. फिर उसके बाद आज हम आगे का बताएंगे आपको. जे के बाद क्या आता है? के. के फॉर काइट. स्मॉल के हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, नीचे की फोर्थ लाइन छोड़नी है, थ्री लाइन में लिखेंगे के. एल फॉर लॉयन. एम फॉर मैंगो. N for nose, O for owl, ठीक है. ये हमारा J तक filling the blanks हो गया. और उसके आगे K, L, M, N, O. आप लोग इसे अपनी कॉपी में टू टाइम्स रिपीट करेंगे. कितने बार? टू टाइम्स रिपीट करेंगे, जिससे आपको अच्छे से आ जाए लिखना, ठीक है. टू टाइम इसको रिपीट करेंगे. ओके, टेक केयर एंड बाय बाय.